नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में रोज आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिस पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे उन क्षेत्रों की जो सूखे हैं या अति वृष्टि की दिशा में, वहाँ पर किस तरह के कृषि कार्य जो हैं आपको करने होंगे अगर स्थिति ऐसी बनी हुई है, और साथ ही बात करेंगे कपास फसल में बेहतर प्रबंधन की भी। जी हाँ, हमारे दोनों आज के विषय हैं और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बाना जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर बाना जी। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी। आप वरिष्ठ फसल वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान केंद्र आबोहर विश्वविद्यालय पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर मनप्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया, आज हम पहले बात करेंगे उन क्षेत्रों की जहाँ पर या तो सूखे की स्थिति, यानी जो हम सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश है उसका आवंटन किस तरीके से होता है। कहीं जो बारिश है कम रह जाती है तो कहीं पर इसकी जो हम कह सकते हैं मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी जो बारिश है वहाँ ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में किस तरह के कृषि कार्य हमें करने चाहिए इस बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बाना जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य उदाहरण जो हम कृषि को आगे रखते हैं और इसका सीधा असर हम देख सकते हैं जिस तरीके से जो बारिश की स्थिति बनी रहती है, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है। जी, ये अमूमन होता है दक्षिण पश्चिम मानसून में। सामान्यतः देखने में आता है कि वर्षा का वितरण असमान होता है, कई बार बरसात ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। और जो जलवायु परिवर्तन से ऐसा होता है कि जो मौसम की एक्सट्रीम होती है इवेंट, कई बार बहुत ही अधिक बरसात होती है, फिर कई दिन तक बरसात नहीं होती है, और फिर बहुत अधिक बरसात हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक तो बीच में जब बरसात नहीं होती है अंतराल काफ़ी आ जाता है दो बरसात के बीच में, तो वो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी। और कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक बारिश हो जाती है, तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें फसलों को नुकसान पहुँचने की संभावना रहती है। तो यदि सही तरीके से रणनीति पूर्वक अगर हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बरसात की स्थिति में भी, यानी कि जो अतिवृष्टि है उस दशा में भी और सूखे की दशा में भी, हम सही तरीके से फसल का प्रबंधन कर सकते हैं है और जो ये नुकसान है उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। तो वही है, वैज्ञानिक पद्धति से हमें आगे बढ़ना होगा ताकि इस तरह की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें भी हम अच्छा फसल उत्पादन ले सकें। जी, तो देखिए, और यही आधुनिक कृषि है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, रिकॉर्ड उपज हो सकती है, लेकिन आवश्यकता तो सिर्फ जानकारी की, और वही जानकारी लगातार हेलो किसान के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस विषय में और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। इस समय देश में मानसून की बरसात हो रही है। हालांकि ये बरसात सभी हिस्सों में एक जैसी नहीं है, यानी किसी हिस्से में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है तो किसी हिस्से में उम्मीद के मुताबिक बादल नहीं बरस रहे हैं। ऐसे में दोनों ही हालातों में किसानों को काफी सावधानी पूर्वक कृषि कार्य करने की जरूरत है। अगर ज्यादा बरसात की बात करें तो ऐसे इलाके जहां काफी ज्यादा बरसात हुई है वहां किसान खेतों में पानी को रुकने ना दें, खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके बाद जब धीरे धीरे पानी सूखने लगता है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा पानी अपने साथ मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को बहा कर ले जाता है। ऐसे में पानी के सूखने पर नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा भी खेतों में डालें। इसके अलावा मिट्टी की ऊपरी परत तोड़ दें। ऐसा करने से मिट्टी में हवा का संचार अच्छे से हो पाएगा, साथ ही सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह से मिल जाएगी। वहीं अगर बात सूखे की करें तो ऐसे इलाके जहां बरसात नहीं हुई या उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और सूखे जैसे हालात हो गए हैं, वहां के किसान पहले से लगी फसलों के अवशेषों के मल्च बना लें, पौधों की निचली पत्ती को तोड़ दें। इसके अलावा सूखे खेतों में आप थिनिंग यानी विरलीकरण कर सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से पानी वाष्पित नहीं होगा जिससे पानी का नुकसान नहीं होगा, साथ ही मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी। ऐसे इलाके जहां सूखे के कारण फसल का बिल्कुल ही नुकसान हो गया हो वहां किसान अगेती रबी की फसलें जैसे सरसों, तोरिया और तारामीरा लगाने की तैयारी कर सकते हैं।
तरीके से प्रबंधन जो है वो आप कर सकते हैं, यानी एक बेहतर स्थिति जो है उसमें आपकी जो उपज है वो रह सकती है। लेकिन आवश्यकता तो जिस तरीके का मौसम है उसके अनुरूप हमें खेती को ढालना होगा, और फिर उसके बाद अगर विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी कि जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, प्रबंधन हैं, उनको लगातार अपनाया जाए। साथ ही हमारे जो किसान कपास की खेती करते हैं वहाँ पर किस तरह का जो प्रबंधन है वो आवश्यक हो जाता है, इस बारे में डॉक्टर मनप्रीत आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। क्योंकि लगातार हमारे किसान जो कपास की खेती करते हैं ना सिर्फ अच्छी उपज अच्छी गुणवत्ता वो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे में किस तरीके से बेहतर प्रबंधन करके अच्छी उपज ली जा सकती है? देखिए, जैसे पहले भी बात हुई थी कि मॉनसून में बारिशें कई जगह पे बहुत ज्यादा हो रही है और कई जगह पे बहुत कम हो रही है। अब एक कपास की फसल है वहां पे हमें नाइट्रोजन और पोटाश पूरी करनी पड़ती है, जब वहां से जो पोषक तत्व है वो नीचे चले जाते हैं, नीचे वाली जमीन की लेयर्स में चले जाते हैं जी। तो वहां पे हमें नाइट्रोजन और ये पोटाश जो है खाद खास तौर पर यूरिया के अगर नाइट्रोजन दे बात करते हैं, कपास के पौधे को तकरीबन 2 बैग यूरिया या 90 किलो या प्रति है उसके टाइम पे उसकी पूर्ति कर देते हैं, कम डाली हुई है तो उसकी पूर्ति कर देते हैं, तो पास में उसकी जो सेहत है बरकरार। और दूसरा उसके अगर जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और कपास का जल निकासी पास नहीं हो पाता तो एक या का जब जल निकासी है हम उसके ऊपर का एक गोल बना के स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर। 2 कच्चे गोल बना होता है तो 2 किलो यूरिया को पानी में घोल के उसका स्प्रे भी किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम के कपास जो जड़े होती है जमीन से नहीं ले पा रहा तो हमें उसके पत्तों के ऊपर यूरिया का जो जी बिल्कुल बेहद जरूरी कि देखिए सही समय पर जो उचित प्रबंधन है वो हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, हमें जो उपज है वो बेहतर मिल सके। इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे डॉक्टर मनप्रीत से, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। व्यवसायिक जगत में कपास को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत के ज्यादातर इलाकों में कपास की बुवाई मानसून के आने पर ही की जाती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए कपास में बेहतर प्रबंधन भी जरूरी है। कपास में फूल आने के समय नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा दें, जो संकर कपास में आधा बैग और अमेरिकन कपास में 2/3 बैग होती है। नाइट्रोजन देने से पहले खेत में काफी नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बरसात के बाद फालतू पानी को तुरंत निकाल दें। अगर फूल आने पर खेत में नमी नहीं होगी तो फूल और फल झड़ जाएंगे और पैदावार कम हो जाएगी। 1/3 टिंडे खुलने पर आखिरी सिंचाई कर दें। इसके बाद सिंचाई ना करें और खेत में बरसात का पानी खड़ा ना होने दें। फूल आने पर नेफ्रथलीन एसिटिक एसिड 70 cc का छिड़काव इस महीने के आखिर में या सितंबर के शुरू में करें। इस छिड़काव से फूल और टिंडे सड़ते नहीं व पैदावार ज्यादा मिलती है। ज्यादा और असामयिक बरसात के कारण आमतौर पर पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाती है, जिससे उपज पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली मुख्य तने के ऊपर वाली सभी शाखाओं की छंटाई कर दें। इस छंटाई से कीटनाशक रसायनों के छिड़काव में आसानी होती है और छिड़काव पूरी तरह संभव होता है। वहीं मूल विगलन रोग में पौधों की जड़ सड़ जाती है और छाल के नीचे पीला सा पदार्थ जमा हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए अगेती बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा कपास को पत्ती लपेटक कीट और सफेद मक्खी से भी बचाएं। है उनसे भी हमें अपनी फसल को बचाना होगा, और उसके लिए भी देखिए अलग अलग जो कृषि कार्य हैं वो हम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर बाना आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, राज्य पर अगर हम बात करते हैं, जो असामान्य के वितरण है ये बड़ी समस्या बन जाती है, लेकिन इसके समाधान की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहले एक किसान है जिसने शायद उस तरह की जो फसल है उसकी किस्म का चयन किया जो कि कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकती है, लेकिन बाद में अगर स्थिति और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि विपरीत रहती है तब क्या किया जाए, अगर हम क्षेत्रवार अगर बात करते हैं तो जी।
जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पर ज़्यादा बरसात हो गई, वैसी स्थिति में क्या करें? आप सबसे पहले तो खेत का आकलन करें कि पानी भरने से कितना नुकसान हुआ है जी, और जैसे ही बरसात रुकी उसके बाद जल निकास का समुचित प्रबंधन करें, और आपके यदि फसल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है तो उस फसल को बहुत लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो और भी अधिक नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही खेत में पानी सूखता है, तो क्योंकि अभी तो जुलाई खत्म ही हुआ है, अभी भी आपके पास अगस्त और सितंबर का 2 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर के मध्य तक जो रबी की फसलें हैं उनकी बुआई होती है, तो उस दशा में आपको जो कम अवधि वाली जैसे 60-65 दिन की अवधि वाली मूंग की या उड़द की किस्में हैं उनकी दोबारा से बुआई कर सकते हैं, या जो बाजरा की भी कुछ कम अवधि वाली किस्में हैं 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद नुकसान होता है, तो उस दशा में चारे वाली जो 50 दिन की अवधि वाली या 45 दिन 50 दिन के बीच की जो किस्में हैं वो लगा सकते हैं, जो कम अवधि वाली फसलें उनका चयन हम कर सकते हैं जी। तो इस तरह से हमें रणनीति पूर्वक बढ़ना होगा, और यदि बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ है उस दशा में क्या करें, जैसे ही खेत में पानी सूख जाता है तो आप मृदा के जो ऊपरी परत है उसको तोड़ दें ताकि मिट्टी में वायु संचार अच्छे से हो सके। अमूमन क्या होता है कि जो मिट्टी है उसमें लगभग 50% तो ठोस पदार्थ होते हैं और 50% रंध्र होते हैं, तो जो आइडियल कंडीशन है उस 50% रंध्र में यदि पानी भर गया तो बचते नहीं है, तो पौधों की जड़ों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो ये ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि पौधों में वृद्धि में विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ज्यादा दिन तक जैसे कि मक्का की फसल है उसमें तो वो तो बहुत ही अधिक संवेदनशील है, 12 घंटे से 72 घंटे तक पानी भरा रह गया तो काफी हद तक नुकसान हो जाता है, तो एक तरह से फसल भी नुकसान हो जाती है। इसी तरह दलहनी फसलें हैं उनमें भी 48 घंटे से 96 घंटे तक पानी भरा रह गया और तापमान बहुत अधिक है तो काफी नुकसान हो जाता है, यदि तापमान कम है थोड़ा ठंडा है मौसम तो फिर कम नुकसान होता है। तो उस दशा में आप मिट्टी की ऊपरी परत तोड़ दें जैसे ही पानी सूखे, पानी को बिल्कुल खड़ा नहीं रहने दें, जल निकास का समुचित प्रबंधन करें, और जैसे कि मक्के की फसल है उसमें आप मिट्टी चढ़ा दें ताकि जो फसल है वो गिरे नहीं और पानी भी कम भरे। इसी तरह जो अन्य फसलें हैं जैसे कि गन्ना है तो उसमें भी गन्ना गिरने की संभावना रहती है और हमारी जो फसल है वो काफी नुकसान हो जाता है, तो गन्ने में माथा बंधाई का कार्य किया जा सकता है। जैसे अभी कैप्सूल में भी आपने देखा वो कपास की फसल है उसमें बडवार हो जाती है, या ग्वार की फसल है उसमें भी पानी भरने से एकदम से वनस्पति वृद्धि अधिक हो जाती है और उनमें जो उपज है ग्वार में फिर पलियां ही नहीं बनती, इतनी ज्यादा वनस्पतिक वृद्धि में ही सारी उसकी जो प्रकाश संश्लेषण से जो भी फोटोसिंथेसिस हमारे पास भोजन इकट्ठा हुआ है यानी जो पोषक तत्व है वो सिर्फ बढ़वार पे फिर काम करने लग गए। तो आपको उसमें ऊपर वाली जो कलिका है उसको तुड़ाई कर दें या जो ऊपर वाली शाखाएं हैं उसको काट दें जी। तो वो छटाई करने से फिर वो जो ऊपर की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। तो इस तरह से हमें तुरंत जो तात्कालिक क्रिया है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए अभी किस तरह की स्थिति आपके सामने है, तो ऐसे में जो कृषि कार्य हैं आप इनको कर सकते हैं। साथ ही यहाँ रखमंत्री जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और अभी के समय अगर बारिश की स्थिति हम जैसे देख पाते हैं अगर ज़्यादा हो जाती है तो ना सिर्फ जल की निकासी की व्यवस्था की जाए या और किस तरीके से जो बेहतर प्रबंधन है वो करना होगा किसानों को? देखिए कपास की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब जल निकासी करते हैं कि जब कपास की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वो पोषक तत्व दे नहीं पाते, अगर आते भी उसका फायदा नहीं मिलता, कपास की दबाव जाती है, जब दबाव जाती है तब पर फुलियर एप्लीकेशन करनी पड़ती है ताकि हम उसकी उसके पोषक तत्व दे। छतली इसमें और जिंकल फिट की भी हम स्प्रे कर सकते हैं, इसमें हम 300 ग्राम है वो वाला मार्केट मिलता है उसको 300 ग्राम और पानी के 2 किलो होती, तो ये जो दो तत्व है ये कपास पौधे के लिए उसको बढ़ाने के लिए दबाव से निकलने के लिए बहुत अहम इनका किए जलने तो बहुत अहम है, क्योंकि जल निकासी कर देर तक जल अगर पानी घटता रहेगा जी। बिल्कुल, इस बातों का
ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा। उसके साथ साथ जब बारिश की स्थिति रहती है तो जो कीट है उनका प्रकोप भी हो जाता है और एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता है जब कपास की हम बात करते हैं। इस बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ जुड़े हैं उनसे हम यहाँ पर और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं सूखे और अतिवृष्टि की दिशा में क्या स्थिति रह सकती है, कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं और साथ ही कपास की फसल में किस तरीके से उचित प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं। डॉक्टर बाना, यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि अलग अलग फसलों में किस तरह की जो कृषि कार्य हैं किए जा सकते हैं। दलहनी फसलों की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं अरहर में किसानों के सामने एक समस्या आ जाती है या पानी अगर खड़ा रह जाता है फसल में तब ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या अलग अलग जो किस्में हैं इस तरह की अब हमारे पास हैं कि उन किस्मों का चयन करके जो नुकसान है किसान उस नुकसान को कम कर सकता है? जी, किस्मों पे भी लगातार शोध जारी है और जो क्षेत्र विशेष के लिए ही हम किस्में संस्तुत करते हैं। जो क्षेत्र जिनमें अमूमन सूखा पड़ता है उनमें सूखारोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, किसी भी फसल की हो वो, और जो ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं उनमें उस तरह की किस्में संस्तुत करते हैं। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो हाँ, दलहनी फसलें भी अधिक अवधि तक पानी खड़ा रहा नहीं सहन कर सकती, बल्कि दलहनी फसलें और जैसे बाजरा और ये फसलें हैं ये तो बारानी क्षेत्रों में अधिकतर उगाई जाती है। हमारे देश की बात करें तो बाजरे का लगभग 95% के आसपास क्षेत्र है वो बारानी दशाओं में उगाया जाता है। तो बारानी दशाओं में बारानी दशाओं के हिसाब से कार्य करेंगे। सूखे की स्थिति में उनमें क्या क्या करना है, उसमें जो सबसे पहले तो ये है कि सूखे की दशा में क्या होता है जी, इस बारे में डॉक्टर बाना और जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ सर जी, धीरज जी क्या जानना चाह रहे हैं? अरे सर जी, अधिक बारिश होने के कारण से सोयाबीन का एक छोटी रह गई, बच नहीं पाया बड़े जो बारिश और पीले ना रोके इसमें। मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें, कौन सी फसल आपने ली है कौन सी फसल आपने लगा रखी है? सोयाबीन, सोयाबीन की। सोयाबीन आपने लगाया हुआ है, बारिश की स्थिति कैसी है देवास में? तो अधिक बारिश होने कारण छोटे रह गए, वो जो बढ़ने की तो वो नहीं बढ़ी, जो बढ़ रहा है वो नहीं हो पा रही है, बारिश ज्यादा हो गई शायद जी। हाँ धीरज जी, हाँ मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आपके बारिश अधिक हो गई, खेतों में पानी भर गया और उससे सोयाबीन छोटी रह गई, बढ़वार नहीं हो पाई। ये अमूमन होता है अतिवृष्टि की दशा में, ज्यादा बारिश होने से खेतों में पानी भर जाता है तो वहाँ पे ये स्थिति अमूमन उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है कि क्योंकि जो दलहन वर्गीय फसलें हैं कोई भी हो, वो सोयाबीन हो या अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, मोठ हो, ग्वार हो, उनमें जड़ों में गांठें होती है और गांठों में सहजीवी जीवाणु होता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध करा पाता है। सोयाबीन में वैसे ही थोड़ी गांठें कम बनती है और जब पानी भर गया तो सोयाबीन में जो नाइट्रोजन थी, खेत में नाइट्रोजन उपलब्ध थी, वो भी पानी के साथ नीचे चली गई, निक्सालन हो गया और जो पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होने से बढ़वार नहीं हो पाई। तो जैसे ही आपका बरसात रुक गई उसके बाद आप खेत में से पानी को निकाल दीजिए,
और उसमें नाइट्रोजन डाल दीजिए, 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से खेत में डालने से आपकी जो फसल है वो दोबारा से उसमें बढ़वार शुरू हो जाएगी। और साथ में ऐसे क्षेत्रों में मैं तो कहना चाहूँगा कि पोटेशियम का, या तो जैसे है कि एनपीके 19-19-19 या एनपीके 19-20-20-20 आता है, यदि आप उसका भी पर्णीय छिड़काव कर देते हैं तो जो सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में आपको मिल जाएंगे और जो पोटास तत्व है वो पौधों में जो सूखे से और जो अधिक पानी की दशा है उससे लड़ने की भी जो आंतरिक शक्ति है उसको भी मजबूत करता है। और जो पौधों की पत्तियों पर रंध्र होते हैं, पर्ण रंध्र होते हैं, उनका उनको भी रेगुलेट नियंत्रित करता है। यानी प्रकृति जो कि अपने आप में एक संतुलन बनाए रखती है, अगर वहां पर किसी भी तरह का असंतुलन होता है तो हम वैज्ञानिक पद्धति से कोशिश हमें करनी होगी कि हम उस संतुलन को बनाए रखें। और इसी की स्थिति में अलग अलग कृषि कार्य जो है वो हम लगातार करते रहे। फिलहाल हमारे साथ नंद स्वरूप जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ सूखे को मौसम को देखते हुए हमें कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए। दूसरी चीज, सूखे को देखते हुए हमें कौन, इसमें जो हमारा जो फसल चक्र है इसका कितना बड़ा महत्व है इसमें? चलिए, कितना महत्व तो फसल चक्र का और कौन सी फसलों का चयन किया जाए? डॉक्टर बाना जी बुंदेल, ये हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंद स्वरूप जी, आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे यदि बरसात कम होती है तो उस दशा में कम पानी चाहने वाली फसलों का हमें चयन करना चाहिए और ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो सूखे की दशा में ज्यादा सूखे की स्थिति से लड़ सके और कम अवधि में पककर तैयार हो जाए। सूखा सहने की क्षमता जिनमें सूखा सहन करने की क्षमता अधिक हो जी। तो आप जैसे कि चावल की बजाय मक्का लगा सकते हैं या दलहन वर्गीय फसलें हैं उनको आप फसल चक्र में डाल सकते हैं। अरहर की फसल ले सकते हैं, आजकल तो अरहर की कम अवधि वाली किस्में भी उपलब्ध है, जैसे कि पूसा 16 है, पूसा 992 है, 991 है। तो ये किस्में हैं वो 120 से 130-140 दिन तक पक जाती है, पूसा 16 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो इस तरह की किस्में हैं, इनको लगाकर आप अगली फसल भी समय पर बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग और उड़द है जो अभी भी आप 60-65 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाएगी और उसके पश्चात आप समय पर या आगे की बुआई वाली रबी की फसलें ले सकते हैं। तो इस तरह की जो फसलें हैं उनका आपको फसल चक्र में समावेश करना होगा ताकि आपकी सूखे से सहन करने की और कम पानी में भी ये चल पाएगी और जो ये पौधों जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएगी। तो आपकी जो टिकाऊ खेती और जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो दीर्घ काल तक बनी रहेगी जी। तो देखिए किस तरीके से उपजाऊ क्षमता जो है उसको आप बरकरार रख सकते हैं। साथ ही यहाँ लगातार डॉक्टर मनप्रीत साहब से भी हम जानकारी ले रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे जो जब हम कपास में कीट प्रबंधन की बात करते हैं, कई कीट हैं जो कि किसानों के सामने परेशानी का सबब बन जाते हैं, मिलीबग की बात की जाए या दूसरे जो अन्य कीट इसमें लगते हैं, किस तरीके से उनका उनकी रोकथाम हम कर सकते हैं और वो भी अगर रसायन के इस्तेमाल की बात की जाए तो रसायन का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जाए, उसके लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे? कपास में दो तरह के कीट जो है वो नुकसान करते हैं, एक तो है जो रस चूसते हैं कपास का, दूसरे हैं जो कपास के नुकसान करते हैं, खाते हैं। तो जो रस चूसे कीड़े हैं उनमें से जो अहम है वो सफेद मक्खी है जी, काफी नुकसान करती है उसका अडल्ट और उसके जो जो है उसका पत्ते के नीचे रहकर उसका रस चूसते हैं और एक तो ये नुकसान करते हैं और साथ के साथ उसका जो बैक्टीरिया होता है जो फल होता है वो नीचे वालों के ऊपर चिपचिपा पदार्थ की तरह बना रहता है, उसके ऊपर फंगस भी प्रभूत बन जाती है जिसकी वजह से वो पत्ते काली पड़ के गिर जाते हैं। तो ये बहुत एक अहम नुकसान करती है, इसको अगर काबू में रखना है रसायनों के खिलाफ तो दो क्या रखने वाली है तो फसल कभी भी जी। बिल्कुल डॉक्टर मनप्रीत, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। सूरजमल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं हिसार हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सूरजमल जी आवाज मिल पा रही है आपको? आ? जी सवाल पूछ सकते हैं आप? जी कपास की फसल में क्या समस्या आ रही है? हेलो, फूल जो है वो झड़ जाता है जी, बिल्कुल
डॉक्टर मनप्रीत क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, कपास में फूल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तो एक जितना भी ये बादल वाला मौसम होता है, खास करके जहाँ पे बारिश नहीं होती है लेकिन बादल बने रहते हैं वहां पे फूल झड़ जाते हैं, और अगर सफेद मच्छर का मक्खी का हमला ज्यादा होता है कपास की फसल पे तो वहां पे भी उसका रस चूसती है, तो वहां पे ये हमें इसको मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो जो फूल होता है जो उसकी डोटी होती है वो गिर जाती है। तो इन इन चीजों के कारण ये गिरते हैं, पर अगर कपास की सफेद मक्खी समस्या नहीं है तो बादल के कारण या बादलवाई कहने के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट जिसमें 13% पोटाशियम और नाइट्रोजन 13% नाइट्रोजन और पोटाश उसमें 45% है, तो उसकी 2 किलो तौल पानी में न्यूट्रिएंट की स्प्रे करते हैं, स्प्रे हम हफ्ते 10 दिन के इंटरवल पे करते हैं, तो ये काफी फूल गिरना है और उससे हमारी उपज में जी बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए उपज सीधे तौर पर हमारी प्रभावित होती है और ज़रूरत यही कि हम सही समय पर सही कृषि कार्य जो हैं वो कर सकें। साथ ही यहाँ डॉक्टर बाला आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि जो हमारे बारानी क्षेत्र हैं सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह के कृषि कार्य हमारे जो किसान हैं कर सकते हैं, लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पर लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है अगर उन क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह के कृषि कार्य किए जा सकते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि एक तो पानी को खड़ा नहीं रहने देना है, दूसरा मिट्टी चढ़ाई, और जो जिन क्षेत्रों में एक हमें ना दो तरह की रणनीति अपनानी होगी, सब जगह एक तरह से नहीं, एक तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक। दीर्घकालिक ऐसे खेत हैं जिनमें हर बार पानी भर ही जाता है बरसात आते ही, तो उनके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी ताकि आगे से हमारी जो फसल है वो खराब नहीं हो। उसके लिए एक तो ये देखें कि कहीं उबड़ खाबड़ होने की वजह से तो नहीं है, उस दशा में तो आप खेत को लेवल कराएं, लेजर लैंड लेवलर आता है आजकल मशीन, तो उसमें बिल्कुल अच्छे से लेवल हो जाता है, तो समतलीकरण करने से पानी भरने की आधी समस्या का निजात हो जाता है। या जो बायो ड्रेनेज है जैसे कि सफेदे के यूकेलिप्टस के पौधे हैं वो लगा सकते हैं, या परमानेंट बेड पे ऊंचाई पे मेड़ पे खेती करना शुरू करें जी। जैसे पानी भरने वाली जो संवेदनशील फसलें हैं मक्का है या दलहनी फसलें हैं तो वो फिर जो ऊंची क्यारी पे ही लगाएं, अन्यथा ऐसे खेतों में नहीं लगाएं। और जो तात्कालिक उपाय है उनमें हमें एक तो ये है कि फसल गिरे नहीं, तो जैसे बड़ी लंबी बढ़वार वाली फसल है जैसे कि गन्ना की फसल है तो उसमें दो लाइनें हैं उनके पौधों को आपस में बांध दे ताकि जो पौधे हैं वो गिरेंगे नहीं, केचिनुमा यानी सहारा जो है दिया जा सकता है, सहारा उनको दिया जा सकता है ताकि गिरे नहीं। दूसरा जैसे कि हमने बताया कि पोषक तत्व जो एक बार सूख जाए तो वहां पे कसोला या फावड़ा से मिट्टी की ऊपरी परत तोड़ के और अच्छे से सूख जाए, सूर्य का प्रकाश भी उसमें अच्छे से जाएगा और पौधों की जड़ों में वायु संचार भी बढ़ जाएगा, उसके पश्चात उसमें पोषक तत्व देते हैं तो जो जिस तरह से फसल को नुकसान हुआ था पानी भरने की वजह से उसकी फसल की रिकवरी हो सके। और उसके अलावा यदि फसल पूर्णतः ही खराब हो गई है तो फिर ऐसी फसल के साथ चलने का अगले 2 से 3 महीने खराब करने का कोई फायदा नहीं है, उस स्थिति में आपको वैकल्पिक रणनीति बनानी होगी कि आप या तो दूसरी फसल की बुआई करें जो कम अवधि में पक जाए, यानी पहले से ही अगर आपको स्थिति पता है और कई सालों से अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो वहां पर आपको बदलाव करना होगा, ना सिर्फ फसल चक्र में जो फसल का चयन है उनकी किस्में हैं इनमें आप बदलाव कर सकते हैं। यहां डॉक्टर मनप्रीत एक सवाल हमारे पास आया है किसान कॉल सेंटर के जरिए संजय जी का हरियाणा से ही, इनका सवाल है कि कपास की फसल लगभग 3 माह की हो चुकी है और इसमें जो फूल हैं फल हैं वो अब धीरे धीरे झड़ने लगे हैं, क्या इनको करना चाहिए ऐसे में? इस समय पे जैसे मैंने पहले बताया कि पोटाशियम नाइट्रेट की जो स्प्रे है जिसको मल्टी के नाम से भी जाना जाता है, सो इसकी स्प्रे बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ पे हम 2 किलो स्प्रे अगर करते हैं 100 लीटर पानी में घोल के जी, तो इससे हम उसका जो फूलों का गिरना है वो काफी हद तक रोक सकते हैं। नॉर्मली कपास की फसल में अगर 100 फूल उसके ऊपर बनते हैं तो ये उसमें से 35-40% नीचे गिर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये पोटाशियम नाइट्रेट जो है कि पोटाश ऐसा एक तत्व है वो उसको स्ट्रेस नहीं आने देता, कपास के पौधे पर तनाव नहीं आने देता जी। तो उससे उसका जो है ये फलों का झड़ना और फूलों का झड़ना ये बंद हो जाता है जी। तो साथ ही
डॉक्टर मनप्रीत, क्योंकि हम यहाँ बात भी कर रहे हैं कि बारिश का जो असामान्य वितरण है, कपास की अगर जब हम बात करते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता कब कम मान सकते हैं, कौन सी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं तब आवश्यकता है हमें? इस समय जब बरसात का मौसम चल रहा है तो उसपे जो किसान भाइयों को जो सिंचाई करनी चाहिए वो जनरली वेदर देख के, मौसम देख के करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंचाई की हो और ऊपर बारिश हो जाए तो वो भी कपास में बहुत दिक्कत बना सकता है। तो जनरली कपास को जो है सिंचाई, अगर मौसम खुश्क रहता है तो कपास को फल फूल आने के टाइम पे हमें सिंचाई जो है तकरीबन हर 15-20 दिन के, 15 दिन के इंटरवल पे हमें करनी पड़ती है उसको सिंचाई। तो ये सिंचाई हम सितंबर तक, सितंबर के लास्ट वीक तक, आखिरी हफ्ते तक हम उसको कर सकते हैं, उसके बाद हमें सिंचाई बंद करनी होती है कपास। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से सिंचाई का भी आपको ख्याल रखना होगा, और ख़ासतौर से जब जो परिस्थितियां हैं वो हम देखते हैं कि वो अनुकूल नहीं है हमारे फसल चक्र के हिसाब से, हमारी फसल के लिए यानी मौसम भी प्रतिकूल है, तो ऐसे में अक्सर हम देखते हैं हमारी जो देसी किस्में हैं उनका बड़ा लाभ मिलता है हमारे किसानों को, और कोशिश हमारी भी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उन तक जानकारी पहुँचे। फिलहाल जानकारी का सफर जो है आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? हम्म, काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लुकिस्तान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कपास की फसल में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, और साथ ही कहीं पर अगर सूखे जैसी स्थिति है या बारिश ज़्यादा हुई है तो वहाँ भी आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से, बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सुरेंद्र जी, मेरे फसल बीमा योजना से कोई लाभ नहीं मिला मेरे भाइयों का और मेरा भी। हरियाणा भिवानी जिला पाटवान गांव से बोल रहा हूँ जी। कौन सी फसल में नुकसान हुआ था सुरेंद्र जी? जी कपास का है सर। कपास की फसल में नुकसान हुआ था भिवानी में? लाभ नहीं हुआ है, बाजरे का भी और कपास का, ये दो चीज का है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए आज हम खासतौर से बात कर रहे हैं कपास की फसल में बेहतर प्रबंधन की, तो ये आपको हम और बेहतर जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तब अच्छी उपज ले सकते हैं। और आप बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर लगातार इस विषय को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहते हैं, तो वहाँ भी आपको ये और जानकारी जो है विस्तार से दी जाएगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर मनप्रीत जानना चाहेंगे आपसे हम, जब नुकसान की स्थिति एक किसान के सामने आ जाती है तो वैकल्प या विकल्प की अब जब हम बात करते हैं, किस तरह का विकल्प उनको लेके चलना चाहिए यहाँ पर?
कपास की फसल की बात करें तो कपास की फसल जो है उसकी बढ़ोतरी और फल फूल आने का टाइम ये एक साथ चलता रहता है जी। सो जनरली अगर कपास में कीटों का नुकसान हो रहा है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं कई तरह से, कई तरह के रसायन भी हैं हमारे पास जिसमें हम उनका उपयोग करके जो सफेद मच्छर और ये जो बॉलवर्म होते हैं, टिंडे की सुंडियां होती हैं, अगर उनका प्रॉब्लम समस्या आती है तो उनका कंट्रोल अच्छे से किया जा सकता है। मेरे ख्याल से की वजह से जो कपास की फसल खराब होने के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन अगर बारिशों की बात करें जिसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, तो अगर बारिशें ज्यादा हो जाती हैं उस वजह से कपास की फसल खराब होती है जी। तो उसमें तो हमारे पास वही साधन रह जाते हैं कि जल निकासी करें और उसको बिल्कुल जी। डॉक्टर मनप्रीत, लेकिन जिस तरीके से और जो विकल्प रहते हैं, यानी जब अगर हम बात करते हैं येलो स्टिकी कार्ड की या जो और ट्रैप हैं, क्या वो यहाँ भी सफल हो सकते हैं उसी तरीके से अगर कीटों की रोकथाम हमें करनी है? हाँ, अब वो अगर येलो स्टिकी ट्रैप की बात करें, वो सफेद मच्छर को काबू करने के लिए हम जब इनिशियल स्टेज है, जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है, जुलाई के पहले हफ्ते में वो हम अपने खेतों में लगा के उसके जरिए हम कुछ हद तक काफी उसको काबू में रख सकते हैं जी। लेकिन इस बार सफेद मच्छर की जो समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ के आई हुई है, उसमें हमारे पास फिर रसायन की तरफ जाने के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। अदरवाइज अगर उसकी पत्ते खाने वाले कीटों की बात करें तो उनमें भी ट्रैप अलग अलग तरह की अवेलेबल है, जैसे जी बिल्कुल कि ये नुकसान हमारे खेत में कर रहा है जी। लेकिन रसायन की भी अगर बात की जाए, इस बारे में विस्तार से आपसे हम जानेंगे किस तरीके से जो रसायन है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ईटी लेवल की यहाँ और जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, रघुवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका रघुवीर जी। हेलो। हेलो जी, रघुवीर जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर, सुंडी आ गई है आपकी बार, हरी सुंडी टिंडे के अंदर आ गई है जी। हाँ सर, नमस्कार सर। चलिए बिल्कुल, ये उसमें जो सुंडी है वो दिख पा रही है आपको? बिजाई कर रखी है, उसमें टिंडे लग रहे हैं, उसमें सुंडी आ गई है जी। डॉक्टर मनप्रीत क्या जानकारी देना चाहेंगे इसमें? हम ये जानकारी देना चाहते हैं, किसान भाइयों से ये बोलना चाहते हैं कि जनरली जब कपास जब हम बोते हैं तो वो बीटी कपास होती है जी। इसमें गुलाबी सुंडी के अलावा अभी दूसरी सुंडियों के लिए अभी इसमें रेजिस्टेंस है, अभी उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन क्योंकि पिछले दो सालों से जो नॉन बीटी कपास का बीज भी 5% इसमें मिक्स आ रहा है तो उसके ऊपर सुंडियां हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान करें, उसके लिए किसान भाइयों को स्प्रे करने की जरूरत नहीं है अगर वो पीटीएल क्रॉस नहीं होता तो। तो इसमें जनरली हम पीटीएल जो है आर्थिक कगार की, जो आर्थिक नुकसान के कगार की बात करते हैं, अगर सुंडी 5% से ज्यादा फूलों में या उसके टिंडों में दिखाई दे रही है तो ही हमें स्प्रे करनी चाहिए कीटनाशक की। अदरवाइज क्योंकि वो 5% ही हमने नॉन बीटी उसमें डाला हुआ है कपास के बीज में, तो अब उसका नुकसान 5% से कम रहने की ही उम्मीद रहती है। लेकिन अगर 5% से बढ़ता है तो हमें कीटनाशक स्प्रे की तरफ जाना। चलिए बिल्कुल, ये देखिए इस बात का हमें ख्याल रखना होगा क्या स्थिति है हमारे सामने। साथ ही यहाँ डॉक्टर मान एक और सवाल हमारे पास है किसान कॉल सेंटर के जरिए जो हमारे पास आया है, राजीव कुमार जी का हरियाणा से ही। ये बता रहे हैं कि खेत में जल भराव जो है वो अधिक हो चुका है और जिसकी वजह से जो फ्लड एरिया है वो खेत में बन गया है, और ऐसे में जल निकासी की जानकारी और खाद जो है वो किस तरीके से देना होगा जिससे हमारे जो खेत की जो उपजाऊ क्षमता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो बची रह सके? हाँ, जो हरियाणा का चूंकि अधिकतर क्षेत्र तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका खेत शायद हो सकता है निचले क्षेत्रों में स्थित हो तो, और उसमें खेत में जल भराव होता है जैसे कि इसने बताया हर बार, तो उसमें फार्म पोंड का निर्माण करें और उसमें आप अपना जो जिला कृषि अधिकारी है उससे भी संपर्क करें कि जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। तो एक फार्म पोंड का निर्माण कर लें ताकि जो अभी चूंकि पानी बरसात ज्यादा हुई है तो पानी है उसको इकट्ठा कर लें, और वो जो बाद में यदि सूखा पड़ता है तो उस दशा में उसको सिंचाई के लिए काम में लें, या जो रबी की फसलें हैं उसमें सिंचाई में भी काम में आ जाएगा। और उससे न केवल आपको जो भूजल है उसको बाद में दोहन करते हैं उसमें भी बचत होगी, बल्कि जो अधिक
पानी है अभी वो बहकर चला जाता है, आपकी फसल को खराब कर देता है, उससे भी बचा जा सकता है। यानी वर्षा जल संरक्षण जो है देखिए वो हम करते हैं तो कितना बेहतर रहेगा। और इसका जो महत्व है कहीं ना कहीं डॉक्टर बाना का देखा जाए, जो क्षेत्र जहाँ पर कम बारिश हुई है, जो सूखे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर शायद किसान ज़्यादा तौर पर समझ पाता है, लेकिन वहाँ पर किस तरह के कृषि कार्य जो हैं अभी हमारे किसान कर सकते हैं? जी, जो बारानी क्षेत्र हैं विशेषकर, वहाँ पर दो चीज़ की सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो मृदा की नमी और दूसरा वहाँ की जो मृदाएं हैं वो सिर्फ प्यासी ही नहीं है, भूखी भी है। तो सही पोषक तत्व प्रबंधन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जैविक पदार्थ है उसकी मात्रा कम होती है, उसका अंश कम होता है मृदा में। तो आपको मृदा नमी की कमी से रोक, जो कमी होती है उससे बचने के लिए तो ये है कि बरसात का जो भी पानी होता है वो खेत में ही रहे, खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, बहकर बाहर नहीं जाने दें जी। और जो मृदा की नमी है वो उड़कर भाप बनकर या तो मिट्टी की सतह से या पौधों के जो वाष्पोत्सर्जन होता है उस नुकसान से बहकर चली जाती है जी। तो यदि सूखा पड़ रहा है तो उस दशा में एक तो मिट्टी की जो नमी है उस पे पूर्व फसलों के जो अवशेष हैं, घास फूस है, उसका एक आवरण बना दें ताकि मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण होकर मृदा नमी का नुकसान नहीं हो, मल्चिंग के जैसा कुछ हमारे किसान कर सकते हैं। इसके अलावा जो पौधे हैं बड़े हो गए हैं तो उस दशा में तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो चूंकि प्रकाश संश्लेषण में बहुत अधिक योगदान नहीं देती पर फिर भी उनसे वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो उन पत्तियों को तोड़ दें और पशुओं को चारे के रूप में खिलाने में काम में ले लें, या वही मल्चिंग या पलवार का एक आवरण बनाने में उसको काम में ले सकते हैं, या आजकल जो वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ है जैसे कि केओलिन है, खड़िया मिट्टी है, वो कोई रसायन भी नहीं है, उसका आप छिड़काव करें 5% 6% का घोल बनाकर, और उससे क्या होगा कि पत्तियों के ऊपर एक सफेद आवरण हो जाएगा जिससे कि प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके चला जाएगा और पौधों से वाष्पोत्सर्जन से नुकसान होगा वो कम हो जाता है, यानी जो नमी है वो देखिए बरकरार रह सकती है, कम हो जाती है जी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं अदा मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, रामशंकर जी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो जी, रामशंकर जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था सर जी। हेलो जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैं ये कह रहा था, मैंने उड़द की फसल बोई थी जी, तो वो इस समय मतलब बारिश में खराब होती थी, तो अभी मैं उड़द की फसल बोई थी सर जी, तो वो खराब होगी, अब इस समय कौन सी फसल बोए ताकि हमारे टाइम पे आते जो हुआ जा। बिल्कुल डॉक्टर बाना, क्या जानकारी? अभी चूंकि वैसे तो जुलाई के अंत तक हम दलहन वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं और अभी तो अगस्त का शुरुआत हुई है, दो दिन ही निकले हैं, तो यदि पूरी फसल ही तबाह हो गई है तो उस दशा में तो आपको दोबारा बुआई कर देनी चाहिए। उड़द की पंत उड़द 19 है, पंत उड़द 30 है, पंत उड़द 35 है, वो कर सकते हैं, या मूंग भी लगा सकते हैं, पूसा विशाल है, SML 200 वो है, तो जो अलग अलग किस्में हैं इनका चयन कर सकते हैं। ये पछेती किस्में हैं डॉक्टर बाना? ये पछेती किस्में हैं, बाजरे की जो कम अवधि वाली किस्में हैं वो लगा सकते हैं उस क्षेत्र में, हरदा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बाजरा भी अच्छा उत्पादन देने के लिए अभी एक वैकल्पिक फसल हो सकती है जी। तो उसमें जो बाजरे की नई किस्में हैं जो 60-70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, HHB 67 उन्नत जो है, पुरानी HHB 67 थी उसका इम्प्रूव वर्जन है, तो उस तरह की किस्में हैं, पूसा 443 है, पूसा शंकर एक किस्म है 112, तो ये ऐसी किस्में हैं जो कम अवधि वाली हैं, उनकी भी आप 65-70 दिन में पककर तैयार हो जाएगी जिससे कि आपकी रबी की फसल लेट नहीं होगी। यदि आप थोड़ा और कुछ दिन पानी भरा है और बुआई नहीं कर पाते हैं, 5-7 दिन और निकल जाते हैं, उस दशा में आप चारे वाली फसलें ले सकते हैं, जैसे कि अफ्रीकन टाल है मक्का की, J1006 है, प्रताप मक्का चरी है, और बाजरे की भी चारे वाली फसलें हैं वो लगा सकते हैं ताकि आपको जो नुकसान है अभी नुकसान हो चुका उसकी भरपाई कुछ हद तक हो सके जी। बिल्कुल जी, तो देखिए नुकसान जो है उससे कैसे आप उसकी भरपाई कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इस बारे में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मनप्रीत आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से जो कीटनाशी या रसायन है उसका हमें इस्तेमाल करना होगा, ऐसे में अगर हम बात करते हैं आर्थिक नुकसान स्तर की, जो प्रति पत्ती हम देखते हैं, वो जानकारी किसानों को कैसे मिल सकती है? ना सिर्फ लीफ कलर की अगर बात की जाए या प्रति पत्ती जो है कितने कीट उन्हें नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कितनी जानकारी किसान को रहती है जब हम कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं? तो
सफेद मच्छर के लिए जो आर्थिक नुकसान का कगार है जी. वो 6 कीट जो अगर प्रति पत्ता दिखाई देते हैं, अगर सुबह 10 बजे से पहले किसान भाई अपने खेत में जाए और ऊपर वाले पत्तों को वो मोड़ के देखे, अगर उसके पीछे उसको 6 से अधिक जो सफेद मक्खी है वो नजर आ रही है, तो उसको फिर कीटनाशक की तरफ जाना पड़ता है. अगर 6 से कम है तो उसको नीम बेस्ड कोई भी जो हमारे पेस्टिसाइड आ रहे हैं, निम्बिसिडिन आ रहा है जो जिसमें नीम का ही कंटेंट है, तो वो ज्यादा पहले इस्तेमाल करने चाहिए. अगर इसकी आर्थिक नुकसान की कगार 6 से ऊपर निकलती है तो हमें कुछ रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है. इसी तरह से एक थ्रिप का हमला होता है इसके ऊपर, जिसको चूं भी बोलते हैं, तो वो थ्रिप का हमले का जो आर्थिक कगार है वो 12 जो थ्रिप्स हैं वो 1 पत्ते के ऊपर नजर आ रही है, तो उसके लिए हमें रासायनिक कीटनाशकों की तरफ जाना चाहिए. उससे पहले कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए अगर कम है उसकी पॉपुलेशन. तो ये देखिए स्थिति है, और इसके साथ साथ ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब आप उसको पत्ती को देखेंगे, निगरानी लगातार करते रहेंगे, और वहां पर आप कीटों की संख्या ज्यादा मिलती है तब आप रसायन का इस्तेमाल करें. उससे पहले जो कीटनाशी है, रसायन है, उनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे सिर्फ आपकी जो लागत है उसमें इजाफा हो सकता है, आपकी जो उपज है, जो उत्पादन है, उसमें इजाफा नहीं होगा. कहीं ना कहीं आपकी जो लागत है वो बढ़ जाती है. आवश्यकता यहाँ पर जो आपकी लागत है उसको कम किया जाए और आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सके. तो आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए. जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर. अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक. अच्छा हाँ. अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने. तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए. माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती. अरे सुन तो. मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को. किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं. अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है. ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है. ये देखो आ गया. अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म. हाँ. तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है. कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में. लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सूखे और अतिवृष्टि की स्थिति में क्या कृषि कार्य आपको करने होंगे, किस तरीके से कृषि कार्य, कृषि प्रबंधन आप कर सकते हैं, और कपास की फसल अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है अभी के समय में. डॉक्टर बाना, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें लगातार दी है कि क्या स्थिति रहती है जब सूखे की हम बात करते हैं या ज़्यादा बारिश हो जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन किसान के सामने जो जानकारी होती है किस तरीके से उसको अपनाकर वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है या जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है. जी एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विशेषकर जो हमारे बारानी क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंचाई की साधन उपलब्ध नहीं है, वो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं ऐसी विपरीत परिस्थितियों से. सूखा पड़ गया या ज़्यादा बरसात हो गई तो उस दशा में वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं. तो सूखे के लिए जो आपको वैकल्पिक रणनीति है,
वो आपको ICAR की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। हर जिले के हिसाब से वैकल्पिक रणनीति बना रखी है, तो आप यदि पढ़े लिखे किसान है उनको तो जरूर ICAR की वेबसाइट से और जो हर जिले के हिसाब से वैकल्पिक जो रणनीति है, कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वैकल्पिक रणनीति की सूखे की दशा में किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन सी फसलें कौन सी किस्में लगानी है, वो जरूर पढ़ लेनी चाहिए। और हर क्षेत्र के लिए संस्तुत किस्में है वो ही लगानी चाहिए। और जैसे कि हम अभी पूर्व में भी बात कर रहे थे कि बारानी क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वो प्यासी ही नहीं भूखी भी है, तो उनकी जो मृदा नमी को उड़कर जाने से तो बचाना ही है, साथ ही उनका पोषक तत्व प्रबंधन भी आपको बहुत अच्छे से करना है। यदि क्योंकि पहले से सही से प्लानिंग नहीं करी तो सूखे की दशा में तो आप पोषक तत्व दे नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है लगातार सूखा है और खेत में जो पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पौधे पीले पड़ रहे हैं, फिर भी हम नाइट्रोजन नहीं दे सकते और बिल्कुल देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पर्याप्त मात्रा में मृदा नमी नहीं होगी तब तक नाइट्रोजन खड़ी फसल में देना लाभदायक नहीं है। उससे वानस्पतिक वृद्धि बढ़ जाएगी और अधिक मृदा की नमी की डिमांड शुरू हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पहले से ही मृदा नमी का सही से पोषण करना होगा। जो जैविक हमारे खाद हैं जैसे कि गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, वो प्रतिवर्ष या हर दूसरे या तीसरे साल आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो गोबर है उसका बायोगैस बनाएं, ताकि जो बायोगैस की स्लरी है वो ज्यादा पोषक तत्वों से युक्त होती है और बायोगैस की आपको बायोगैस मिल जाएगी। यानी एक और दो काज जो है जी, और उसका एक और फायदा मैं बताना चाहूंगा, जो पोषक तत्व जैविक खादें देते हैं उससे मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। तो पोषक तत्व तो ये देती है, साथ ही भौतिक जो दशा है उसमें सुधार होने से ज्यादा मात्रा में जल अवशोषण करती है और जो पौधे हैं जो मिट्टी है उसमें रंध्र बढ़ने से वायु संचार अच्छा होता है, ज्यादा मात्रा में जल धारण क्षमता बढ़ने से मृदा जो हमारी फसल होती है उसको लगातार पानी मिलता रहता है, नमी मिलती रहती है और फसल का जो फैल होने की संभावना है वो काफी कम रहती है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से फायदा आपको मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो डॉक्टर साहब जी, राहुल जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। राहुल जी सुन पा रहे हैं आपको? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। सवाल पूछ सकते हैं राहुल जी आप अपना? ये पूछना था बरसात में कौन कौन सी सब्जी लगाए, अभी कौन कौन सी सब्जी फसलें लेना चाह रहे हैं आप? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर बाना क्या जानकारी देना चाहेंगे? वैसे तो आपको जो भी अभी बरसात के मौसम में मौसमी जो सब्जियां हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि अभी ग्वार की जो सब्जी की फसल है वो ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बैंगन लेते हैं, पर तो ऐसा तो विशेष तो कोई है नहीं, पर आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि यदि घर के लिए फसल लगानी है तो उसमें आपको जो जिस मौसम की फसल है उसी मौसम में लगानी है, और यदि आपको व्यावसायिक तौर से आप खेती करने जा रहे हैं तो जो आजकल जो किसान अधिक लाभ कमा रहे हैं वो तब कमा रहे हैं जब बेमौसमी फसलों की खेती कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कि बाजार में मूली आना शुरू होती है, समय पर लगाएंगे तो अक्टूबर नवंबर में बुआई करेंगे और वो सर्दियों में आना शुरू होती है, तो उसकी बुआई जल्दी करने से जब तक और लोग और किसान बुआई करेंगे आपकी फसल बाजार में आ जाएगी तो आपको लाभ मिलेगा। तो वो आपके जो क्या उद्देश्य से है उस पर निर्भर करता है कि कौन सी आप फसल ले सकते हैं। यानी जो अगेती खेती भी हमारे किसान करते हैं और खासतौर से ना सिर्फ कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं वो आप ले सकते हैं ऐसे में, और जैसे कि लोबिया की खेती की यहाँ बात की डॉक्टर बाना ने, तो उसका फायदा ये होगा ना सिर्फ हरी जो सब्जी है उसके रूप में, हरे चारे के रूप में, बल्कि हरी खाद के रूप में भी आप उसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर मनप्रीत जानना चाहेंगे आपसे भी और किस तरह की सावधानी हमारे किसानों को रखनी होगी अच्छे उपज के लिए। अच्छे उपज के लिए एक तो पहले ही मैंने बता दिया है कि पोटाशियम नाइट्रेट की स्प्रे जरूर करें फार्मर, और इसको कीटों से बचाना भी बहुत जरूरी है। सो अगर ये इसका आर्थिक आकार कीट का जो बताया गया है वो उसके ऊपर जाता है, बरसातों के मौसम में हरे धनिया का भी कई बार प्रभाव देखने को मिल जाता है, उसका आर्थिक आकार की बात करें अगर 50% जो पौधे हैं उनमें पत्ते किनारों के किनारों से नीचे मुड़के और पीले दिखाई देने लगे तो उसपे हमें स्प्रे करनी होती है, उससे पहले स्प्रे की
होती है। तो अभी कीटनाशकों का स्प्रे और जो खाद खुराक है जो वो देखिए पोषक तत्व है पूरे करके इसका बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। चलिए कुछ सावधानियां हैं जो हमारे किसानों को बरतनी होगी जिससे आने वाले समय में अच्छी उपज जो है कपास की वो ले सकें। फिलहाल डॉक्टर मनप्रीत जी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ आप जान रहे थे किस तरीके से जो कपास की फसल है वो बेहतर मिल सकती है, और साथ ही डॉक्टर बाना आपसे भी जानना चाहेंगे संक्षेप में कि किस तरीके से जो किसान है वो ना सिर्फ जो उचित प्रबंधन है वो अपनाए बल्कि अब जो आधुनिक कृषि की जब हम बात करते हैं तो इस तरफ भी अब आगे बढ़ें जिससे जो नुकसान है उनका उसको कम किया जा सके। जी बिल्कुल, हमें आधुनिक कृषि की तरफ जाना होगा। जो आधुनिक कृषि की पद्धतियाँ हैं जैसे कि संरक्षित खेती है और संरक्षण खेती है उनकी तरफ जाना होगा, हाईटेक हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना होगा ताकि अधिक से अधिक लाभ कमा सके हैं। और जो मौसम का की मार होती है उससे बचने के लिए आप निरंतर जो भारत मौसम विभाग है उसकी वेबसाइट या बहुत सारी एप्स भी आती है, भारत मौसम विभाग की भी जो वेबसाइट है ऐप है उनसे आप जुड़े रहें और मौसम के अनुरूप ही कृषि कार्य करते रहें ताकि जो मौसम की मार है वो आपको बार बार झेलना नहीं पड़े। और जैसे कि एक प्रश्न भी आया था अभी फसल बीमा का, तो फसल का बीमा कराएं और उसी फसल का आप उसकी निगरानी भी रखें कि आपकी जो जिस फसल का बीमा हुआ है वो जो आपने लगा रखी है उसी फसल का बीमा हुआ है। तो ये थोड़ा सा जागरूक रहेंगे जी, जिनका ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर आर एस पाना जी आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो जाना आपने कैसे जहाँ पर कम या ज़्यादा बारिश हुई है तो वहाँ पर किस तरह के जो कृषि कार्य हैं आप कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि उचित समय पर उचित प्रबंधन जो है वो किया जाए। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे वो आपको हम यहाँ बता देते हैं जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर रखें। कल बात करेंगे खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की, और साथ ही जानकारी देंगे खरीफ प्याज में उन्नत उत्पादन तकनीक की भी। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, आप सभी को किसान कॉल सेंटर का नंबर जो है वो याद होगा, नंबर याद नहीं है तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।